हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैंटास्टिक निशु। तो कैसे हैं आप सभी? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप सबको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लग रहे हैं, कितने सारे रिस्पांस आ रहे हैं, उसमें व्यूज आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर सपोर्टिंग। आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहे, मैं और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग आपके लिए लाते रहूंगा। तो आज के वीडियो में मैं आपको मम्मी से मिलवाने वाला हूँ। भाई मम्मी आपको पूजा के बारे में बताने वाली थी ना, तो आज बताई कि मम्मी आपने देखा मेरा वीडियो, तो वो वीडियो में जो पूजा थी भाई, वो पूजा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं भाई, किस लिए करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे का, वो सारा चीज मम्मी आपको बताएगी एकदम डिटेल में। तब जरूर देखेगा आज का वीडियो। तो चलिए सबसे पहले भी चलते हैं नाश्ते के लिए। आज का मेरा रूटीन मैंने कंप्लीट कर लिया यार, सुबह से उठा, अपना योगा सब चीजें किया एंड अभी मैं नाश्ते के लिए आया हूँ। तो चलिए जल्दी से नाश्ता करते हैं, फिर जान को लेने जाना है यार, वो स्कूल नहीं गया है आज, उसको लेने जाना है। तो चलिए जल्दी से चलते हैं। तो देखिए मम्मी ने पराठा बनाया यार मेरे लिए, पराठा एकदम बढ़िया से। तो ये कौन सा पराठा है मम्मी, इसमें क्या डाले हो? अच्छा हाँ, अजवाइन काली मिर्च जीरा डाल के पराठा मम्मी बनाती है, जिससे आपका स्टमक क्लीन हो जाता है, उसमें डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बहुत अच्छा रहता है ये हेल्थ के लिए, आप इसको खा सकते हैं बना के। कभी ऐसा लगे कि भाई ये चाहिए आपको पराठा कैसे बनाना है, तो मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं इसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो चलिए जल्दी से मैं नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद फिर ध्यान को ले चलते हैं। देखो मम्मी के पास कितना प्यार से रहता है यार। तो गाइस अभी आ गया हूँ मैं बाहर, जान को लेने जा रहा था, तो मैं मतलब सोचा यार शेव करा लेते, थोड़ा अच्छा दिखे यार वीडियो पे, आपको भी अच्छा लगना चाहिए देखना कि भाई कौन आ गया, ऐसा तो नहीं लगना चाहिए ना, तो थोड़ा अच्छा दिखो। एंड मैक्स के लिए खाना, उसका मैक्स का खाना खत्म हो गया, तो मैं सोचा वो लेके आ जाता हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से चलते, आपको भी दिखाता हूँ भाई मैं मैक्स के लिए खाना कहाँ से लेके आता हूँ, कौन है भैया, अच्छे है, पहचान के मेरे भैया, तो उनके पास से लेके आता हूँ। तो चलिए चलते हैं जल्दी से उनके पास। तो गाइस पहुंच गए, देखिए पीछे पेट हट है, मैं खाना यहाँ से लेके आता हूँ। तो चले जल्दी से भैया से मिलवाते हैं। तो कैसे हैं भैया? बस बढ़िया बढ़िया। कैसे? आज मैं मैक का फूड लेने के लिए आया हूँ। तो ये है भैया हमारे, आपका नाम भैया बता देंगे? दिनेश भाई। ओके दिनेश भाई पेट हट के ओनर है। यहाँ से मैं मैक्स का खाना लेता हूँ, बहुत ही रिजनेबल रेंज में रखते हैं यहाँ, सारे फूड रहेंगे, सारे कैट के लिए, डॉग के लिए सब चीज रहेगा आपका यहाँ पे। लीश वगैरह भी सब मिल जाएगा आपको, पीछे ट्रीट्स वगैरह भी है बहुत सारी, वो सब मिल जाएगा आपका यहाँ पे। एंड ये देखिए ये सारे चीज भी मिल जाएंगे आपको। चलिए तो फिर भैया बता दीजिए मेरे को मैक्स का कौन सा फूड मैं लेता हूँ जल्दी से। आप ग्रीन जीरो खिलाते हो? सिग्नेचर कंपनी का है। हाँ ब्रांड है ग्रीन जीरो। तो ये मैक्स के लिए मैं फूड लेता हूँ हमेशा, उसको खिलाता हूँ मैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा इसका रिस्पांस है मेरे को, डाइट भी उसका अच्छा दे रहा है उसमें, एंड उसमें अच्छा सा डाइजेशन भी अच्छा हो जा रहा है उसका, एंड फर भी उसका बहुत बढ़िया रह रहा है इस फूड में। तो इसको मैं खिला रहा हूँ अभी, तो अभी तो मैं कितना 3 kg का बैग लेके जा रहा हूँ। तो भैया मेरे को कितने का पड़ जाएगा ये? आपको डिस्काउंट लेस करके आपको 1490 में पड़ेगा। ओके 1490 में पड़ेगा 3 kg का बैग, तो बहुत ही सस्ता है, तो आप इसको ले सकते हैं अपने पेट के लिए। तो और भी इसमें क्या खासियत है कुछ बता दिए थोड़ा सा। इसमें आपको विदाउट ग्रेन आएगा, फूड में ग्रेन नहीं आएगा, 48% मीट आएगा इसमें। जैसे आपका बजट कम है, कम बजट में अच्छा फूड मिलेगा। जैसे आप प्रीमियम फूड खिलाना चाहते हो तो फिर दिबाग सेंस आप खिला सकते हो, थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन इससे भी आपको थोड़ा कम रेंज में ये फूड अच्छा मिलेगा। बढ़िया, ये बजट फ्रेंडली फूड है। हाँ। आप ये कभी भी ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं यहाँ से शॉप से, इनके पास स्टॉक भरा हुआ है पूरा, देख सकते हैं। तो देखिए रॉयल कैनन का भी है, दिवाग का भी है, जो भैया अभी बता रहे थे उसको ले सकते हैं। मेरे को बजट फ्रेंडली लगता है भैया, अब सब चीज देखना पड़ता है यार अपने को, बजट भी देखना पड़ता है, क्वालिटी भी देखना पड़ता है, तो ये दोनों वाइज मेरे को अच्छा लगा ये फूड। तो गाइस देखिए मेरा ट्रिमिंग वगैरह सब हो गया है, इसके बाद मैं जा रहा हूँ अब जियान को लेने के लिए। एंड अभी देखा आपने मैक्स का फूड मैंने जहाँ से लिया, भैया बहुत बढ़िया सजेस्ट करते हैं। मैं क्योंकि यार अभी थोड़ा स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, इसलिए मैं बहुत कम रेंज में ही लेता हूँ फूड, ज्यादा महंगा कुछ नहीं कर पाता हूँ अभी, तो इसलिए भैया सजेस्ट किया कि भाई कम रेंज में ही अच्छा फूड लो, क्वालिटी अच्छा रहेगा तो मैक्स का हेल्थ भी अच्छा रहेगा, तो इसलिए मैंने वो वाला फूड लिया। चले फिर जल्दी से चलते हैं अभी जियान को लेने, उसके बाद फिर जाएंगे घर। चले तो घर आ गए हैं, सब हो गया है सारा काम, बाहर से सामान थोड़ा लेना था वो भी लेके आ गया हूँ, मैक्स का फूड भी लेके आ गया हूँ। तो अभी नहाएंगे, रेडी रेडी होंगे, उसके बाद मम्मी के साथ आपकी बात कराएंगे। हेलो गाइज, मैं एक्चुअली दोपहर में चले गया था यार, बहुत बिजी हो गया था, इसलिए मैं मम्मी के साथ बात नहीं कर पाया। उसके बाद फिर जियान की क्लास यार, उसके बाद जिम, अभी जस्ट जिम से आया हूँ एकदम तगा तगा। तो चले जल्दी से मम्मी को मिलते हैं। तो चलिए मम्मी से जानते हैं, मम्मी के रूम में आ गए, मम्मी के साथ में बैठेंगे, तो मम्मी से बात करेंगे बैठे बैठे। हाय मम्मी। हाय नीशु।
तो चलिए बताइए आप पूजा के बारे में जल्दी से लोगों के, भाई हम रांधल माँ की पूजा क्यों करते हैं, क्या रीजन है उसके पीछे, क्या स्टोरी है, आप बताइए जल्दी से स्टोरी। देखो निशु, मुझे जितना पता है, मैंने सुना है अपने बड़े बुजुर्ग से, मैं उतना बताऊंगी। ओके ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, उतना बताइए आप, अच्छा लगेगा, चलो सुनाइए फिर। सबसे पहले मैं ये बताऊंगी, ये जो फोटो में है वो सूर्य देव की पत्नी है, धर्म पत्नी, एक संज्ञा और एक छाया। सूर्य नारायण की दो धर्म पत्नी कैसे हुई ना, वो मैं बताना चाहती हूँ। जो संज्ञा देवी है, जिनका नाम पहले रन्ना दे था, फिर जाके रांधल माँ हो गया, हम लोग अब सब रांधल माँ बोलते हैं। फिर वो रांधल माँ विश्वकर्मा दादा की पुत्री है, फिर उनका विवाह सूर्य देव से हुआ था। फिर सूर्य देव की और संज्ञा देवी की दो संतानें हुई। संज्ञा देवी बड़े कोमल स्वभाव की थी और सूर्य देव तेज थे। माता रानी सूर्य देव का तेज सहन नहीं कर पा रहे थे तो बड़े दुखी रहते थे। तो एक दिन सोचा माता रानी ने कि चलो माता पिता से कुछ पूछती हूँ, अब बेटियां परेशान होती है, माता पिता ही याद आते हैं। माता रानी ने भी वैसे ही सोचा कि अपने पिताजी से बात करती हूँ, अभी वो चले जाए तो संतान को कौन देखेगा। जैसे हमारी परछाई रहती है ना, वैसे माता रानी ने भी अपनी छाया प्रकट की और उसमें अपना तेज दे दिया कि चलो ये घर में रह के संतान को भी पालेंगे, पति देव का भी ध्यान रखेंगे। उनका नाम छाया देवी रखा। संज्ञा देवी अपने पिता के पास गए, अपना दुख व्यक्त किया, पिताजी मैं कैसे करूँ, मैं पति दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, बहुत तेज है, आप रास्ता दिखाइए, कुछ मतलब इसका निवारण बताइए मुझे, मैं क्या करूं। तो पिताजी बोले तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, तभी कुछ बात बनेगी, तो आप वन में जाओ और तपस्या करो। फिर संज्ञा देवी ने अश्विनी का रूप धारण किया और वो वन में तपस्या करने लगी। कई साल बीत गए, वो तपस्या चालू रखे। फिर एक रोज छाया देवी ने वो जो सूर्य देव और संज्ञा देवी के जो संतान थी ना, उसमें जो पुत्र था, उससे कुछ गलती हुई होगी तो उन्होंने श्राप दे दिया। तो फिर संज्ञा देवी के पुत्र दुखी हो गए और अपने पिता के पास गए कि माता ने मुझे ऐसे श्राप दिया। तो सूर्य देव सोचने लगे, माँ तो कभी श्राप देती नहीं, तो फिर ये कैसे हुआ। फिर सूर्य देव छाया देवी के पास गए और पूछा कि आप कौन हो, माँ तो कभी श्राप देती नहीं है, आपने कैसे अपने बेटे को श्राप दिया। फिर छाया देवी ने कहा, सूर्य देव संज्ञा देवी आपका तेज सहन नहीं कर पा रहे थे तो वो वन में तपस्या करने गए है। फिर सूर्य नारायण अपने ससुर विश्वकर्मा जी के पास गए और बोले, मेरा तेज कुछ कम करो या इस समस्या का कुछ भी निवारण करो। फिर विश्वकर्मा जी ने सूर्य देव की प्रार्थना सुनी और बोले, मैं आपका तेज कम कर देता हूँ, आप मेरी बेटी को मना के अपने घर ले जाइए। फिर सूर्य देव वन में गए और संज्ञा देवी को मनाने लगे। संज्ञा देवी विश्वास नहीं कर पा रहे थे, मैं पति दर्शन कर रही हूँ, मतलब ये कैसे हो गया। फिर संज्ञा देवी को विश्वास दिलाने के लिए वो अश्विनी रूप में तपस्या कर रहे थे तो सूर्य देव ने भी अश्व का रूप ले लिया। फिर सूर्य देव नृत्य करने लगे अश्व के रूप में और माता रानी को मनाने लगे। माता रानी बड़ी प्रसन्न हुई और बोले, चलो अब घर चलते है। तो फिर माता रानी को लेके सूर्य देव घर गए। इसीलिए हम भी नृत्य करते हैं ताकि माता रानी प्रसन्न हो हमसे भी, जैसे अपने पति देव से प्रसन्न हुई। फिर घर जाकर संज्ञा देवी छाया देवी से बड़ी प्रसन्न हुई, क्योंकि छाया देवी ने संज्ञा देवी के संतान को बड़े प्यार से रखा था। तो इसीलिए तब से सूर्य देव की दो पत्नियां हैं और वो संतान की रक्षा करती है। तब से हम लोग दोनों देवी को पूछते हैं। मैं पूरा वीडियो में संज्ञा देवी बोली, वो रांधल माँ है, लेकिन जो कहानी में जैसे रहता है वैसे मैं आपको बताई हूँ। तो रांधल माँ का लोटा बोलते है गुजराती में, रांधल का लोटा तेड़ना है मतलब बुलाना है। तो पहले के जमाने में तो फोटो वगैरह कुछ था नहीं, तो क्या कलश लोटा मतलब कलश और तेड़ना मतलब बुलाना। तो पहले के जमाने में तो ये तस्वीर वगैरह कुछ फोटो वगैरह कुछ था नहीं, तो क्या कलश के ऊपर नारियल रख देते थे और चुनरी उठा देते थे और ऐसी घर में पूजा करते थे। तो हम लोग तभी से वैसे ही करते आ रहे हैं और आजकल फोटो आ गया है तो रांधल माँ का फोटो रखते हैं और तब से वो हमारे संतान की रक्षा करते हैं माता रानी, और जिसे संतान ना हो उसे संतान भी देते हैं माता रानी। और हम लोग गुजराती में गोद भराई के टाइम सातवें महीने में तब भी माता रानी को हम बुलाते हैं, फिर शादी होती है तब भी बुलाते हैं, कभी मन्नत हो कुछ भी हो तो हम लोग माता रानी को बुलाते हैं। और सब अच्छा होता ही है घर में, उनका चमत्कार होता ही है, हम लोग तो मानते हैं ऐसा। और जो वीडियो ये बना रहा है ना मेरा बेटा निशु, वो भी ये रांधल माँ का दिया हुआ ही है। मेरी गोद में नारियल दिए थे कि तुम्हें 9 महीने के बाद बेटा होगा और सही में 9 महीने के बाद निशु हुआ था। तो हम लोग तो बहुत ज़्यादा ही मानते हैं। अभी निशु मंदिर में भी दिखाएगा, मैं फोटो रखी हूँ, मैं पूजा करती हूँ। और हमारे पूर्वजों का गांव है वहां पर भी माता रानी विराजमान है हमारे घर में। पहले मेरे सास ससुर का घर वहीं था, हमारे घर में विराजमान है। कभी गए उधर तो मैं दर्शन करवाऊंगी जरूर माता रानी का। हाँ, वैसे जो मैंने सुनी थी अभी तक वो मैं सब बोली हूँ।
अभी इसमें जो गुजराती लोग जो वीडियो देखेंगे कुछ मतलब ज्यादा पता होगा तो आप जरूर कमेंट में बताइए कि ज्यादा अच्छे से हमको भी पता चले। तो मेरी दादी नानी मम्मी, मम्मी को हम बा बोलते हैं, तो मैं सुनी हो तब वही आपको बताई हूँ। और जो गलती हुई है मुझे बताने में, कहानी में, कुछ भी बोलने में, क्योंकि मुझे इतना हिंदी अच्छे से बोलना नहीं आता, तो आप जरूर कमेंट में बताइए तो मुझे भी आगे और पता चले कि इसमें क्या गलती है करके आप जरूर बताइए। और अच्छी लगे तो लाइक भी करें। और माता रानी का आशीर्वाद आप सब लोगों पे बना रहे जो ये वीडियो देख रहे हैं। अरे थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच सबकी तरफ से। तो गाइस यार मम्मी की स्टोरी कैसे लगी आपको प्लीज कमेंट में बताइए मुझे। एंड कुछ भी गलतियां हुई हो तो यार चलता है, पुरानी स्टोरी है तो पहले जबानी फैलती थी कहानियां, तो वैसे ही मम्मी को पता चली है पूर्वजों से हमारे, तो कुछ भी गलती हो तो यार अब इग्नोर कीजिए ज्यादा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी चलिए जल्दी से चलते हैं, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आपको कैसा लगा आप बताइए, प्लीज डू लाइक कमेंट एंड शेयर एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपको अच्छा लगा हो तो। और भी मैं अभी 2-3 दिन में बाहर जाने वाला हूँ एक बढ़िया सी जगह, तो वो भी मैं आपको जरूर से दिखाऊंगा कि भाई कहाँ जाने वाला हूँ, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से। और मेरी माता रानी मंदिर में भी बैठे हैं। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मम्मी की माता रानी को दिखाते हैं कि भाई मंदिर में मम्मी ने बैठाए हैं, पापा का भी फोटो है वहाँ पे साइड में, पापा का भी फोटो दिखाते हैं आपको, चलिए जल्दी से। हमारे घर का छोटा सा मंदिर, रांदलमा का फोटो, मम्मी हमेशा पूजा करती है। और ये देखिये साईं बाबा का फोटो, ये काजल जी के घर का है, बहुत मानते थे साईं बाबा को इसलिए वो ला के रखे थे। ये देखिए ये हमारे पापा है जो कि एकदम फोटो में ऐसा है कि रियल अभी भी लगते हैं, तो हमारे साथ में ही है पापा। तो मम्मी को बोलिए ज्यादा याद करके रोए मत पापा को, पापा हमारे साथ में ही है। बहुत याद आती है पापा की। अरे याद तो आती है, सबको आती है, पर पापा हमारे साथ में है, बिल्कुल रोना नहीं है, एकदम अच्छे से खुश रहना है। चलिए तो गाइस चलिए यहाँ पे वीडियो खत्म करते हैं आज का, तो बाय बाय गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बिहाइंड द सीन्स में देखिए मेरी बहन, उसको ध्यान रखते हुए देखो देखो कैसे खेल रहे है वो, मस्ती के मूड में अभी खाना ना खाया होगा तो। यहाँ मैं भी युद्ध लड़ रही हूँ। हाँ हम लोग शूट कर रहे थे और ये इसके साथ खेल रही है। खेल नहीं रही हूँ सर, ध्यान भटका रही हूँ। हाय मैक्स, बस हो गया, चलिए तो बाय बीवड़ी बाय।